Hello viewers, especially research scholars and those students who are pursuing their master's degree. आज का जो वीडियो है इसमें हम थोड़ी सी जानकारी देंगे एक स्टूडेंट के बारे में जिसने सुसाइड करना चाहा, who attempted to suicide because her PhD thesis was declared to be plagiarized. तो बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आते होंगे कि क्यों किया होगा ये. Why it was declared plagiarized? इसकी अपनी गलती हो गई थी. गलती क्या थी? COVID-19 के टाइम में जबकि सारा लॉकडाउन चल रहा था, ये MSc कर रही थी ये बच्ची, और इसके साथ साथ पैरेलल में एक और स्टूडेंट था इसके साथ, तो वो भी MSc कर रहा था. That student was also pursuing MSc. But unfortunately इनका जो प्रोफेसर था, that was Sam. प्रोफेसर का नाम इसमें लिखा है, तो गोस्वामी है शायद उनका नाम. तो ये दोनों बच्चे उनके अंडर PhD कर रहे थे, और जब ये गरिमा अपनी प्रेजेंटेशंस दे रही थी, अपने वर्क का स्टेटस बता रही थी अपने प्रोसेस अपने प्रोफेसर को, तो ये सारा हो रहा था थ्रू जूम मीटिंग्स एंड ऑनलाइन. ओके, तो ये अपना सारा स्टेटस अपने प्रोफेसर को बताते गए उन मीटिंग्स में. गुप्ता जो है दूसरी लड़की, तो वो भी, दैट स्टूडेंट वॉज ऑल्सो यू नो प्रेजेंट इन दोज मीटिंग्स. तो नतीजा ये निकला कि इस स्टूडेंट का सारा रिसर्च जो है, जो मास्टर्स की थीसिस थी, वो गुप्ता को भी पता था क्या कर रहा है. ठीक है, एंड फाइनली गुप्ता ने जब अपना थीसिस सबमिट किया तो दैट वाज सैम. ओके, एंड जब इसने बात की, जब इसने गरिमा ने अपने प्रोफेसर से पूछा, उन्होंने बोला कि अगर आप कंप्लेंट कर दोगे तो हम आपके मतलब खिलाफ एक्शन लेंगे, तो आपका ये मतलब उसको धमकाया वगैरह, तो उसने फिर वो चुप बैठी बची. एंड अल्टीमेटली उसके बाद जब जो गुप्ता है इसने क्या किया, ये MBA करने चली गई टू दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, और जो ये है इसने वहीं पे, गरिमा ने वहीं पे अपना PhD स्टार्ट किया. PhD स्टार्ट करने के बाद जब इसके सबमिशन का डेट आता है तो इसका पता चलता है कि इसकी थीसिस प्लेजराइज्ड है. ओके, तो ये कैसे पता चला इसको इसकी थीसिस प्लेजराइज्ड है? इसको इसने जब मतलब अपने प्रोफेसर से पूछा तो पता ये चला कि प्रोफेसर ने वो जो दूसरा बच्चा है उसके साथ वादा किया, ही हैड प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड लॉन्च गुप्ता इन एकेडमिया. उसने यही रीजन बताया गरिमा को कि मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इसको एकेडमिया में लॉन्च करूंगा, और इसलिए मैंने उसकी आपकी थीसिस पे उसका नाम डाल दिया. ठीक है, अब जो ये है गरिमा है, गरिमा का थीसिस सबमिशन के टाइम प्लेजराइज दिखा रहा है क्योंकि उसने ऑलरेडी वो मतलब अपने काम, उस काम को अपना दूसरे बच्चे का नाम दिया है. सो ये वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम में फंस गया. तो यहाँ पे इन्होंने फिर इसकी सिस्टर, इसने अटेम्प्ट यू नो सुसाइड किया, और इसकी सिस्टर ने फिर, गरिमा की सिस्टर ने फिर कंप्लेंट कर दी पुलिस में, और FIR लॉज किया, और उसके बाद मीटिंग भी बैठ गई. मीटिंग में ये भी डिक्लेयर किया गया कि प्रोफेसर ने गलती की है, और उसको बाहर किया गया 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए फ्रॉम सुपरवाइजिंग एनी अदर स्टूडेंट. लेकिन उसके बाद गरिमा को फिर से ये बोला गया कि आप इसी के अंडर PhD करोगे. ठीक है, तो पॉइंट इज कि एक उस प्रोफेसर को उस मतलब अब सुपर एज ए सुपरवाइजर नहीं रखना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी अलाउड यू नो टू वर्क एज अ प्रोफेसर हु कैन गाइड अदर स्टूडेंट्स, ही शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट. और दूसरी ये बात है कि जो ये बच्चा है गरिमा जो है इसको इंसाफ मिलना चाहिए, एंड व्हाट इंसाफ का क्या है, उसका PhD थीसिस एक्सेप्ट होना चाहिए, और दूसरा जो बच्चा है उसका रिजेक्ट होना चाहिए. तो तीसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स स्पेशली जो मास्टर्स की थीसिस बना रहे होंगे या PhD की थीसिस बना रहे होंगे, उनको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है. वी शुड टेक केयर कि हम जब भी अपना रिसर्च मतलब कहीं पे प्रेजेंट कर रहे होंगे, वी शुड प्रेजेंट इट इन अ वे दैट इट वुड नॉट बी कॉपीड. उस तरह करना चाहिए कि ये कॉपी ना हो, और ऑथेंटिक प्लेसेस पे करें, ताकि अगर आप पब्लिश कर रहे हैं ये पब्लिश हो, फिर ये कल आपके ही रिसर्च में माना जाए. ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी जगह आप अपना जो कॉन्फ्रेंस या जो जो जर्नल वैल्यू ना रखता हो आप वहां पे पब्लिश कर दोगे, फिर कल इसको प्लेजरिज्म जब आप अपनी थीसिस में लिखोगे कोई आपकी कॉन्फ्रेंस से कॉपी वो करेगा फिर कल, और वो आपसे पहले पब्लिश कर देगा, फिर आप बोलोगे कल को कि हमारा थीसिस जो है वो प्लेजराइज हो गया है. प्रोफेसर की भी आई थिंक ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कॉपी वाले ये मतलब कॉपी करने वाले बच्चों को एनकरेज ना करे और उनको सपोर्ट भी ना करे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग आवर चैनल एंथ्रो इंटरनेशनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट.
Thank you once again. Please do subscribe this channel if you like this video.